राजस्थान में 2 बजे तक की ताजा रिपोर्ट में 154 कोरोना पॉजिटिव प्रदेश से सामने आए। आपको बता दें किसी के साथ कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 4688। कोटा से 48 कोरोना पॉजिटिव, उदयपुर से 38, पाली से 13, जोधपुर में 12, जयपुर में भी 11 कोरोना पॉजिटिव मिले। जालौर में, राजसमंद और सीकर में 5 कोरोना पॉजिटिव, 3-3 कोरोना पॉजिटिव अजमेर और चूरू में, और साथ ही में 12 बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, दौसा, डूंगरपुर, झुंझुनू, करौली से 1-1 कोरोना पॉजिटिव क्रमशः पाया गया। बाहरी राज्य का एक व्यक्ति भी कोरोना का पॉजिटिव यहां पाया गया और इसी के साथ में बीएसएफ के 6 जवान भी कोरोना पॉजिटिव। 2 बजे की ताजा रिपोर्ट में 154 कोरोना पॉजिटिव अभी तक प्रदेश भर से सुबह से सामने आ गए हैं। कोटा से 48, उदयपुर में 38, पाली में 13, जयपुर में 11 कोरोना पॉजिटिव, जालौर से 5, राजसमंद और सीकर से 3-3, अजमेर, चूरू और जैसलमेर में 2-2 कोरोना पॉजिटिव, 12 बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, दौसा, डूंगरपुर, झुंझुनू, करौली से 1-1 कोरोना पॉजिटिव 2 बजे तक की ताजा रिपोर्ट में। और इसी के साथ बाहरी राज्यों का एक व्यक्ति भी कोरोना पॉजिटिव, बीएसएफ के 6 जवान भी कोरोना के पॉजिटिव। राजस्थान में लगातार यहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। संख्या बढ़कर 4688 फिलहाल दर्ज की गई है 2 बजे की ताजा रिपोर्ट। और अधिक जानकारी के साथ में एवं संवाददाता लोकेश ओला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं इस वक्त। लोकेश, 2 बजे की ताजा रिपोर्ट, 154 कोरोना पॉजिटिव, इसके अलावा क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, आज 2 बजे तक प्रदेश में 154 कोरोना पॉजिटिव वो सामने आ चुके हैं और अब प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 4688 हो चुकी है। वहीं कोरोना पॉजिटिव के लगातार जो रिपोर्ट नेगेटिव होने की, जो ठीक होने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और आज उनमें 39 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं और यह संख्या भी बढ़कर 2677 हो गई है। ऐसे में बात करें तो प्रदेश में आज 154 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं, जिसमें सबसे अधिक कोटा में 48 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। कोटा में लिहाजा जो 3-4 दिन से जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या है वो कम आ रही थी, लेकिन आज अचानक जो कोरोना पॉजिटिव संख्या अचानक बढ़कर 48 सामने आई है और अब कोटा में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 318 हो चुकी है। वहीं जयपुर की बात करें तो जयपुर में भी आज 11 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं और जयपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 1373 हो चुकी है। वहीं मौतों का आंकड़ा भी सबसे जयपुर में देखने को मिल रहा है। जयपुर में अब तक 63 कोरोना पॉजिटिव की मौत हो चुकी है। साथ ही साथ बात करें तो उदयपुर में भी बीते 4-5 दिन से लगातार कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं और वहां पर भी आज 38 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं और वहां पर संख्या बढ़कर अब 354 हो चुकी है। लिहाजा जिस तरह से लगातार कोरोना पॉजिटिव उदयपुर में सामने आ रहे हैं, जो बड़ी चिंता की बात नजर आ रही है उदयपुर को लेकर भी। वहीं बात करें जोधपुर की तो जोधपुर कोरोना पॉजिटिव में दूसरे स्थान पर है और वहां पर आज 12 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। जोधपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या भी 967 हो चुकी है। साथ ही साथ जोधपुर दूसरे स्थान पर है मौतों में, तो वहां पर अब तक 17 कोरोना पॉजिटिव की मौत हो चुकी है। बात करें तो लगातार जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं, उसमें जो बाहर से प्रवासी आ रहे हैं वो बड़ी संख्या में अब कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं और अब तक प्रदेश में 313 जो प्रवासी है कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। उसमें सबसे अधिक संख्या जालौर में है। जालौर में अब तक 63 जो प्रवासी है वो कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। साथ ही साथ जिस तरह से बात करें पाली में भी 33 जो प्रवासी है वो अब तक कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। ये एक चिंता की बात लगातार है, वो बढ़ती जा रही है। बात करें अजमेर में भी 19 कोरोना पॉजिटिव अब तक प्रवासी मिल चुके हैं। ऐसे में अजमेर सहित जो अन्य जिलों में कोरोना पॉजिटिव की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिसमें प्रवासी कोरोना जो लोगों की रिपोर्ट है कोरोना की वो अधिक संख्या में सामने आ रही है, जो एक चिंता की बात है। हालांकि मुख्यमंत्री ने सभी प्रवासियों को क्वारंटाइन के लिए निर्देश दिए हैं और अब जिला कलेक्टर को निर्देशित किया गया है कि जहां पर भी जो माइग्रेंट या जो प्रवासी लोग मूवमेंट कर रहे हैं उनको वहीं पर रोककर क्वारंटाइन करने की कोशिश की जाए या उनको समझाया जाए और साथ ही साथ में उनको जो तमाम जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवाई जाए। इन सभी बातों को लेकर मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री भी लगातार निर्देश दे रहे हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया लोकेश।